कथावाचक पंडित मुकेशानंद जी महाराज ने कहा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव देवकी बंधन से मुक्त हो गए। प्रभु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान का जन्म होने के बाद वासुदेव ने पानी से भरी जमुना पार कर उन्हें गोकुल में यशोदा माँ और नंद के पास पहुँचा दिया। उन्होंने कहा कि सत्संग में आने का अवसर सभी को नहीं मिलता, भागवत कथा सुनने से दुख विषाद से प्रसाद बन जाता है, जबकि सुख पाकर व्यक्ति अभिमानी बन जाता है, दुख मिलने पर भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है। श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष है, इसे सुनने मात्र से मानव का कल्याण होता है। कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होते हैं, प्राणी का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है, व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सोया हुआ ज्ञान जागृत हो जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने माखन मिश्री का भोग लगाकर उत्सव मनाया। हमारे मुख्य यजमान का है, उनको बुलाओ, आज वो नाचेंगे, पहले भगवान के सामने नाच दो प्रेम से। जय हो नंदलाल की जय। अरे पंडा बात है, पंडा जी का है, रुको रुको रुको, पंडा जी का है, पंडा जी के लाओ, वादों निभाओ। हाँ जय हो। अरे जय हो नंदलाल की जय, यशोदा लाल की जय, हो नंदलाल की जय, यशोदा लाल की। अरे जय हो नंदलाल की, मदन गोपाल की जय, हो नंदलाल की, मदन गोपाल की। हे नंद के आनंद